से गाइस मैं इस आवाज में तो कि देखो बैच बजाई हो रही थी, हाथापाई हो रही थी कि दिल अभी भरा नहीं। यार इतना जरूर बता सकते हैं कि पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। आज मुझे लग रहा है शाउट आउट वाला दिन है। देखो एक स्पेशल शाउट आउट देना था। माला कहती भाई मैं लेके आई सी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस्टरडे मैं बहुत अप आ गई थी। हाँ और अब टांगे दुख रही हैं, है ना? आओ चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज बहुत ही मुश्किल और जद्दोजहद के साथ मैंने अपने आप को मनाया कि नहीं वॉक करनी है हमें, नहीं तो टांगे जवाब दे जाएंगी। मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा था बट फिर मैंने सोचा कि चलो नहीं चलते हैं। हाँ जैसे कि मैं जा रही थी ऊपर, हाँ स्लो मोशन, तो मायरा दीदी दो स्टेप नीचे थी, बानी दो स्टेप ऊपर थी, फिर मैं बीच में थी, तो जैसे स्क्वायर होते हैं बीच पे, मैं उस पर थी और मैं फिसली थी आराम से, पहले उधर बाजी, पहले उधर बाजी, फिर सीढ़ी पे जाके बजी उधर नीचे, फिर क्या हुआ यहाँ से प्लान निकल गया। कोई बात नहीं, तो इसको छोड़ के आते फिर मिलते हैं आपसे। तो मैं वापस आ गई हूँ और काफ़ी अच्छा रहा, अच्छा हुआ चली गई, नहीं जाती तो फिर वही हो जाता है, एक दिन का गैप आता फिर ऐसा लगता है यार आज छोड़ दिया अगर कल भी छोड़ देते हैं। तो अभी वो मेरा छोड़ने वाला साइकिल ही चल रहा है जहाँ पे मुझे अपने आप को पुश करना है कि मेरे को करना है बेसिकली। सो मेरे साथ क्या रहा है, आई हैव नेवर डन एनी एक्सरसाइज या फिर ऐसे वॉक जॉग वाला कभी करा ही नहीं मैंने, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई थॉट दैट ओके आई विल डू इट। एंड अगर सोचा है कि करना है तो फिर उसको अच्छे से करना है। मैंने शुरू के दिनों में ये बातें नहीं करी आपसे बिकॉज मुझे लग रहा था कि आई वोंट बी एबल टू डू इट, बट अभी तीसरा चौथा दिन है कर रही हूँ ये बातें तो लग रहा है दैट आई विल बी एबल टू स्ट्रेच इट फॉर लिटिल लॉन्गर। अभी वो लिटिल लॉन्गर बोल रही हूँ बट आई वॉन्ट मेक इट अ रूटीन दैट यू नो ये थोड़ी बहुत जो फिजिकल एक्सरसाइज है या एक्टिविटी है वो रहे, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ आर डेली लाइफ। कितना बड़ा लेक्चर दे दिया, अपने लिए दे रही हूँ, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर रही हूँ। जितने ज़्यादा लोगों के आगे बोलूँगी, वो कहते हैं ना कि थ्रो इट इन द यूनिवर्स वाला हिसाब किताब है, जितने ज़्यादा लोगों के आगे बोलूँगी उतनी ज़्यादा आपकी जवाबदारी हो जाती है कि भाई इतने लोगों को बोल दिया है तो अब आई कांट यू नो स्टेप बैक टाइप्स। तो आ गए हैं अभी, थोड़ी सी करेंगे एक्सरसाइज, पानी वानी पीते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। हेलो, आज पापा ने मुझे बोला कि ना तेरी ब्लॉग में ना आवाज बड़ी कम आती है, नहीं, नहीं, फिर बीच में मैं इस पिच में दूर रखते हैं ना आप, हाँ लगता है उस टाइम आवाज कम हो गई। नहीं नहीं वो पता क्या जो जिस जगह पे आप बोल रहे हो ना कि ठीक आ रही है, एक मिनट पंखा बंद कर, जिस जगह पे आप मुझे बोल रहे हो ना कि अब ठीक आ रही है पापा, जिस जगह आप बोल रहे हो कि अब ठीक आ रही है, उस जगह पे मैं इस पिच में बात कर रही हूँ, जैसे अभी मैंने हेलो किया ना वहाँ पे, आप गुड नाइट करते हो, मियां भी बात करते हो उस टाइम पे, धीमे धीमे बात करना शुरू करते हो तो बिल्कुल ही समझ नहीं आता और जब कई बार होता है बीच में ना थोड़ा सा ऐसे होता है जैसे घर में हम आस्था बात करते हैं आप करते हो, लेकिन जो सुनने वाले होते हैं ना उनको कान ऐसे कैसे फिर पापा कह रहे या तो देख ही लो फिर उस टाइम या तो सुन ही लो कि क्या बोल रहे हो। तो अब से गाइस मैं इस आवाज में इस टोन में बात करूंगी, ठीक है? तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं चिल्ला रही हूँ, क्योंकि मैं वॉल्यूम भी जब मैं एडिट कर रही होती हूँ तो मैं अच्छी खासी बढ़ाती हूँ। माला दी 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है? तो मैं अच्छी खासी वॉल्यूम भी बढ़ाती हूँ बट ऑब्वियसली वो पिच का फर्क होता है, जैसे आप नॉर्मल बात करते हैं, मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन भी खैर काफी होती है, ठीक है? अब ये हो गया, अब ये सवारियां जाने वाली हैं, सवारियों का भी हम शूट करेंगे, देखो सवारियां जाने वाले कह रहे। तो आज हमारे जो जम्मू से हमारे रिलेटिव्स आए हुए हैं दे आर गोइंग टूडे और बस अभी वही चल रहा है, तैयारियां श्यारियां चल रही है। हेलो वैभव, नानू पीछे बड़े हैं यार, शक्ल दिखा दे, शक्ल और भाग गया देख रहे हो, दिखा दे शक्ल, मिलाती हूं मैं, बाय बाय कर दे। हेलो, मैं भी आ रहा हूं, कौन है ये कहोगे क्या था ये खाना है? अनु दीदी होगी तैयारियां? जी होगी तैयारियां, लास्ट मिनट पैकिंग चल रही है, लास्ट मिनट पैकिंग,
शूट होगी लड़ाई होगी शूट होगी शूट होगी शूट होगी लड़ाई शूट होगी। देखो बैच बसाई हो रही थी, हाथापाई हो रही थी, अभी ये बस एक दूसरे को पकड़ाया मैंने, तो बस अभी तैयार है। चोरी वाला कैमरा आ गया भाई, चोरी वाला कैमरा आ गया। और क्या, उठ जा भाई, जाना नहीं है, बड़े दादू का फोन आ गया, नहीं जाना कह रहा। ठीक है, बोली खाना खा रही है। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। तो ये जो नहीं, है चित्तू, ये यही रहती है दिल्ली में, और तो मम्मी उनकी जम्मू से आई हुई है, तो ऑब्वियसली यार माँ बेटी का तो वो होता ही है, मन भरता नहीं है कितना भी आ जाओ। मैं भी जब मेरी मम्मी आती थी दिल्ली तो मुझे ऐसा हाई क्यों जा रही है, मम्मी होती थी और बड़ा बढ़िया लग रहा होता था, घूमने उमने चल जाते थे। चलो बाय, चिप्टू को बोलो कपड़े धोने आ जाइयो, मैं इसको बोलती हूँ कई बार कि चले जा, मुश्किल है मुश्किल। दोस्तों आज मैंने कुछ खास शूट नहीं किया, एक्चुअली टांगे बहुत दर्द हो रही हैं, पता नहीं इतनी ज़्यादा, कल वो वाटर पार्क भी चले गए और उसके बाद ये वॉक वगैरह वाला जो हो रहा है तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और चल रहे हो तो ठीक है, चलते रहो तो ठीक है, बट जब बैठ के उठ रही हूँ ना तब तो मतलब ख़तरनाक वाला दर्द हो रहा है उस टाइम पर। बट वो सभी कहते हैं कि आई थिंक एक दो दिन में, मतलब दो चार दिन टेक्स ना कि आपकी बॉडी यूज टू होने के लिए, तो वही पीरियड चल रहा है शायद मेरा भी। आई कान से मच अबाउट इट बिकॉज आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन दिस एरिया, बट या इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो हम लोग आ गए हैं शिखा भाभी के घर, आ गए थे अभी, आई एम जस्ट गोइंग टू पिक बानी, बानी गई है एक्चुअली पार्क, रिदा को घर पे ही छोड़ा हुआ है, बच्चे अच्छे बाकी यहीं पे हैं, रिदा को लेके जाऊंगी तो फिर वो दोनों फैल जाएंगे वहाँ पे, कि हमें भी अभी रहना है रहना है, तो रिदा को नहीं बताया, बानी को लेके आती हूँ। हाय बानी, हेलो, हाउ आर यू? फाइन। सो हमने बानी को ले लिया है, अब वी आर गोइंग होम फ्रॉम द पार्क, अब हम जा रहे हैं घर। एंड आई थॉट दिस इवन विगलिंग सो फास्ट। इट्स विगलिंग? या। ओके, व्हिच वन? शो। देखो भाई विगल कर रहे हैं बानी के दांत। सो बानी उस वाली स्टेज में आ गई जहाँ पे उसके दांत टूट रहे हैं। ऑलरेडी टूथ टीथ केम ऑफ। टूथ टीथ केम ऑफ? या नो, टूथ डिड इट पेन? नो। ओके। इट फेल्ट लाइक नथिंग। It felt like nothing. Yeah. You're a brave girl, Bani. I was near, and when I was in Thailand, I was eating sticky rice and with mangoes. And when I was eating the mango, I didn't want it to have the sticky rice. So when I ate the mango, I felt like something hard. So I thought the mango's piece was a little hard. So I took it out, and then it came out. Oh, so it was your tooth, not the mango. Yeah. Okay. Chalo, are you excited to meet Rida? Yes. Let's go then. I hope she doesn't trouble me. No, why will she trouble you? You guys play together, she'll not trouble you, okay? Okay. Chalo. Bye. Bye. हमारी सवारियां देखो कैसे खड़ी हैं। अभी हमने अपनी दूसरी सवारियां चढ़ाई हैं और हम बस वेट कर रहे हैं कि उन्हें बाय करेंगे। 75 से 77 के बीच में था, 77। सारे सारी हमारे यात्रीगण देखो मशीन पे, रात को नहीं चढ़ते मशीन पे, रात को ज्यादा ही आएगा। तेरा और बड़ा हुआ है 52.70। लुंगी का भार देख लो, इनके हाथ दे होगी पापा की भी देखो, और अब मैं चश्मा भी उतार दिया। मेरा प्यार अंकल की इतनी सर्दी उतार दो। सीधे खड़े हो, अंकल सीधा सीधे खड़े हो, हम देखते हैं। 85.10 तो चल ठीक है, तो हमारी पूरी फैमिली का वेट हो गया। डिनर टाइम, डिनर टाइम। आज डिनर में हमारे घर में बनी है घिया, बहुत ही स्वाद, जो कि लंच में बनी थी, बहुत स्वाद है ना, फ्रेश एकदम। मैंने दोपहर को खा ली थी पर लेके मैं ही आया था। माला कहती भाई मैं लेके आई सी, तुसी कह रहे तुसी लेके आए। मैं बिठा के लाया था उसको।
हाँ पर उसने चूज करी। हाँ वो बैंक ना, मैं कह रहा बैंक। अच्छा तब तक मिल ले। इसलिए वो कहता हूँ, बट वो खाने से पता लग रहा है कि ताजी एकदम घी है। ओके जी, तो आज के व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे खत्म। हमने गुड नाइट शूट नहीं की थी, पता नहीं क्या हुआ था, कुछ तो हुआ था, राहुल सेठी जी लेट हो रहे थे, कुछ तो पता नहीं गड़बड़ हुई थी जिसकी वजह से मैं कुछ शूट नहीं किया था उसके बाद। तो आज हम शूट कर रहे हैं इसको। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कल के व्लॉग पे बहुत सारे कमेंट्स आए, पापा के लिए बहुत सारे कमेंट्स आए। पापा का एक्चुअली ऐसा है कि वो एंजॉय करते हैं ये सब सारी चीजें, वो पूरा मतलब फन एकदम मूड में थे पूरे, तो इसी वजह से उन्हें वहां पे भी कॉम्प्लीमेंट्स मिले और आप लोगों ने भी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, सो थैंक यू सो मच। और पापा ने आई थिंक जिस जिस कॉमेंट पे जिन जिन लोगों ने उनके लिए मेंशन किया है, ही ऑलवेज रिप्लाइज ऑन दोज कॉमेंट्स। और मेरे को एक स्पेशल शाउट आउट देना था हमारे एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर जिनका नाम है जानवी, उनके लिए। आजकल जानवी के इतने प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब बहुत ही डिटेल्ड कमेंट्स, और मतलब मैं जानवी का कमेंट अगर मैं पढ़ती ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पूरा व्लॉग देख लिया अपना, इस तरीके से उनका कमेंट होता है। एंड शी इज फ्रॉम हरिद्वार, सो थैंक यू जानवी फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इसी तरीके से प्यार करते रहिए, और बाकी भी सारे लोग जो हमें कमेंट्स करते हैं, रेगुलरली करते हैं, उन सबको भी थैंक यू है। सारिका इज देयर, देन दीपक एज आई मेंशन, तुषार इज देयर, पूजा इज देयर, और बहुत सारे लोग हैं, दीपांशु, मैं बहुत सारे नाम नहीं ले रही हूँ, मधु जी हैं, ये ऐसे वाले नाम हैं जो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ व्लॉग्स में और आज मैं दोबारा से मेंशन कर रही हूँ। हरदीप जी इज देयर, पवन जी हैं, एक पवन कुकरेज आई थिंक, उनके कमेंट्स आते हैं और मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं आपके कमेंट्स पढ़ने, सो थैंक यू। और रीटा जी हैं हमारी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर, आज मुझे ऐसा लग रहा है शाउट आउट वाला दिन है। मैं एक नाम एक्चुअली लिया और उसके बाद मैंने नाम लेने शुरू कर दिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है जिन जिन के आते हैं उनके तो मैं अच्छे से ले दूं, बट या अगर किसी का नाम मिस हो गया है तो डोंट थिंक दैट वी डोंट रीड योर कॉमेंट्स और वी डोंट लाइक दैम, इट जस्ट दैट वट एवर इज कमिंग इन माई माइंड राइट नाउ आई एम टेकिंग ऑल दोज नेम्स। तो फिर मिलते हैं हम आपसे कल एक नए दिन की शुरुआत के साथ और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मगन रहें। बाय बाय एवरीवन, स्टे सेफ।